We are doing chapter, we are revising Nazism in Germany. So yesterday we have revised, who was Hitler, why Weimar Republic became unpopular in its beginning, terms of the treaty of Versailles, ye sab hum kal kar chuke hain. And today, next topic of this chapter, that is how Hitler came to power. You have read, हमने कल किया था कि हाउ हिटलर बिकेम पॉपुलर, वेमर रिपब्लिक बिकेम अनपॉपुलर एंड हिटलर वाज बिकमिंग पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ जर्मनी. तो उसके क्या, क्यों वो पॉपुलर हुआ, यू नो इट वेरी वेल, उसके प्रोमिसेस, उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है, उसका स्टाइल, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, ये सब. एंड हम साथ में कहेंगे पॉलिटिशियन के गुड जो क्वालिटीज होती है ना, वो सब हिटलर में थी. तो लोगों को कहीं ना कहीं वो मसीहा लगा, मैसेंजर लगा, उसके प्रोमिसेस अच्छे लगे, तो दैट्स व्हाई ही वाज बिकमिंग पॉपुलर. एंड दूसरी साइड से जो ओपोजिशन थी ना वेमर रिपब्लिक, वो कहीं ना कहीं अनपॉपुलर होती जा रही थी. तो उसकी अनपॉपुलरिटी, हिटलर की पॉपुलरिटी का, अनपॉपुलरिटी ऑफ वेमर रिपब्लिक बिकेम द मेन रीजन ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ हिटलर. तो ये तो हो गया कि वो ही बिकेम पॉपुलर. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हाउ हिटलर केम टू पावर. अभी तो वो पॉपुलर हुआ है, पावर में नहीं आया. हाउ ही केम टू पावर, अब वो पावर में कैसे आया. हाउ ही बिकेम डिक्टेटर, कैसे वो डिक्टेटर बन गया, कैसे वो एक ऑर्डिनरी सोल्जर था एंड वो ऑर्डिनरी सोल्जर से कैसे जर्मनी में पॉपुलर होता चला गया, और कैसे लोगों ने उसे मसीहा बोला. एक ऑर्डिनरी सोल्जर को ही लोगों ने मसीहा बोला, लोगों को उसमें सारी क्वालिटीज दिखी जो वो एक अपने स्ट्रॉन्ग लीडर में चाहते थे. तो अब हिटलर पावर में कैसे आया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाजी पार्टी जो थी ना, जिसने इलेक्शंस में पार्ट लिया, तो इन 1928 के जो इलेक्शंस थे ना, नाजी पार्टी उसमें इतने ज्यादा वोट्स नहीं ले पाई, नाजी पार्टी को उसमें इतने वोट्स नहीं मिले. तो इन 1932 After 4 years, दोबारा इलेक्शंस हुए, पहले हुए थे 1928 में. 1928 के इलेक्शंस में नाजीस को ज़्यादा वोट नहीं मिले. अब 1932 में दोबारा इलेक्शंस हुए, तो दिस टाइम नाजीस वोट, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, इनको ज़्यादा वोट्स पड़े और ये विनर थे. तो नाजी पार्टी विनर थी अब 1932 के इलेक्शंस में. तो हमारे यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, जो विनर होता है, जो पार्टी अपनी मेजोरिटी शो करती है, उसी के लीडर को प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. हमारी कंट्री में भी ऐसा ही है, सेम एज देयर. प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग नेम है प्रेसिडेंट का तब. तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग कॉल्ड हिटलर, उन्होंने हिटलर को बुलाया टू मेक हिम चांसलर ऑफ जर्मनी. वो हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाना चाहते थे. चांसलर मींस जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर. तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग कॉल्ड हिटलर टू मेक हिम द चांसलर ऑफ जर्मनी जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर. बट हिटलर वाज नॉट हैप्पी टू बिकम अ चांसलर. तो वो तो चाहता था सब कुछ उसके हाथ में आ जाए अकेला, वो किसी के अंडर रह के, पार्लियामेंट के अंडर रह के वर्क करना नहीं चाहता था. तो कहते मिस्टीरियस फायर broke out in the parliamentary building of Germany. Reichstag is the parliament of Germany. So mysterious fire broke out in the parliamentary building of Germany. And Hitler sent his enemies to concentration camps. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो थे ना, दे वर जस्ट लाइक जेल एंड सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल वायर्स. हिटलर ने जितने भी उसके एनिमीज थे ना, सबको किधर भेजा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. दीज वर सराउंडेड बाय, दीज कैंप्स वर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल वायर्स. अगर कोई वहां से निकलने की कोशिश करता तो उसे करंट लग जाता और मर जाता वहीं पे. उसने सारे एनिमीज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज दिए. अब उन 3rd मार्च, अब आपको ये याद रखना है, 3rd मार्च, ऑन 3rd मार्च 1933 हिटलर पास्ड एन इनेबलिंग एक्ट.
हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया, ये आपको याद रखना है। ऑन 3 मार्च 1933 हिटलर पास एन इनेबलिंग एक्ट। अगर इस क्वेश्चन में हाउ हिटलर केम टू पावर में हम इनेबलिंग एक्ट नहीं ना लिखते तो हमारा ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट काउंट होना है टॉपिक। ऑन 3 मार्च 1933 हिटलर पास एन इनेबलिंग एक्ट। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ही सस्पेंडेड द राइट्स गिवन टू द पीपल ऑफ जर्मनी बाय वेमर रिपब्लिक। जो जो राइट्स लोगों को वेमर रिपब्लिक ने सिविल लिबर्टीज दी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक डेमोक्रेटिक रूल लेके आई थी, तो हिटलर ने आते ही पहले वही सस्पेंड किए, लोगों के राइट्स छीन ली। उसको था कि अगर वो बाद में करेगा ना तो कहीं ना कहीं लोग अब उसके अगेंस्ट भी हो सकते। तो ही सस्पेंडेड द राइट्स सिविल राइट्स सिविल लिबर्टीज गिवन टू द पीपल बाय वेमर रिपब्लिक। लोगों ने तब भी देखो कुछ नहीं कहा, बिकॉज पीपल हैड फुल फेथ ऑन हिम। तो ही सस्पेंडेड द सिविल राइट्स गिवन टू द पीपल बाय वेमर रिपब्लिक। अब और क्या क्या किया? ही ब्रोट मीडिया जुडिशरी आर्मी इकोनॉमी अंडर हिज कंट्रोल। हर चीज अपने हाथ में ले ली, मीडिया इकोनॉमी जुडिशरी सब कुछ आर्मी हर चीज हिटलर के अंडर थी। तो इन दिस वे ही बिकेम पावरफुल, ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। तो इस एक्ट को पास करके वो पावरफुल हो गया, डिक्टेटर बन गया। एंड जैसे डिक्टेटरशिप वॉज एस्टैब्लिश दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जर्मनी में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो थी वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी। वेमर रिपब्लिक का एंड ऑफ वेमर रिपब्लिक लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिशमेंट दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप आ चुकी थी, हिटलर बिकेम पॉपुलर बिकेम पावरफुल आफ्टर पासिंग एन इनेबलिंग एक्ट। तो हिटलर इनेबलिंग एक्ट पास करके जर्मनी का डिक्टेटर बन गया एंड डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन हो गई। पेपर में पूछते होते हैं डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन के बारे में बताओ, सबसे पहले तो लोगों को ही फेथ नहीं था, पीपल हैड नो फेथ इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम कहेंगे कि वेमर रिपब्लिक जो थी वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई थी, उसने लोगों को सिविल लिबर्टीज भी दी थी, फेडरल लाइंस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, पावर शेयर की थी, है ना। बट हिटलर, जब हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास किया तो उसने सारे राइट सस्पेंड कर दिए गिवन टू द पीपल बाय वेमर रिपब्लिक, और उसने हर चीज अपने अंडर कर ली, मीडिया उसके अंडर, इकोनॉमी उसके अंडर, सब कुछ उसके अंडर था, जुडिशरी उसके अंडर। तो इस वे से हिटलर बन गया डिक्टेटर एंड डेमोक्रेसी जो वेमर रिपब्लिक लेके आई थी उसकी होगी डिस्ट्रक्शन। तो दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल हैड फुल फेथ इन डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट इन डेमोक्रेसी। लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर पे विश्वास था ना कि डेमोक्रेसी पे। तो उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर कौन दिख रहा था? हिटलर। इसलिए लोगों ने कुछ भी नहीं कहा जब उसने उनके सिविल राइट्स को सस्पेंड किया, पीपल सेड नथिंग, लोगों ने कुछ नहीं कहा उसे। तो इन दिस वे जर्मनी में डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन हो गई। अब हिटलर पावर में आ चुका था, अब आते ही उसने क्या किया? सबसे पहले तो हेट्रेड, ही प्रीच्ड हेट्रेड फॉर ज्यूज, प्रीच्ड हेट्रेड फॉर ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक, सब के लिए उसने नफरत का प्रचार किया। हिटलर ने क्या किया? ही कैप्ट, उसने पहले तो जर्मनी के लोगों को जो प्योर ब्लडेड थे ना उनको नाम दिया नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस मींस प्योर ब्लडेड पीपल, जर्मन आर्यंस। ये कौन थे? ये हिटलर के बहुत कह लो फेवरेट थे ये लोग, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। हिटलर कैप्ट देम एट टॉप रैंक, इनको टॉप रैंक पे रखा उसने। वो कहता होता था ये जो लोग है ना ये भगवान की विश से धरती पे आए, फुल राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ,
वो कहता था ये लोग जो हैं जिप्सीज ज्यूज ब्लैक्स ये अगेंस्ट द विश ऑफ गॉड आई है, नो राइट टू लिव ऑन दिस लैंड, ये लोग भगवान की विश के बिना आए, इनको कोई राइट नहीं है धरती पे रहने का। तो उसने इनके अगेंस्ट नफरत का ही प्रचार किया, इनको फोर्स भी किया लीव नाजी जर्मनी, क्योंकि वो जर्मनी में इन लोगों का नंबर मल्टीप्लाई करना चाहता था, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का, ना कि इनका, इनका नंबर डिक्रीज करके रिड्यूस करके इनका इंक्रीज करना चाहता था। तो उसने सबसे पहले तो इन लोगों को टॉप रैंक पे रखा, इनको लोएस्ट रैंक पे रखा। तो जो फिजिकली फिट भी नहीं ना होते थे उनको भी हिटलर कहता था नो राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ, फिजिकली फिट मेंटली फिट जो लोग नहीं होते थे वो कहता था ज्यूस के साथ उनको भी इस धरती पे रहने का राइट नहीं है। तो इसके लिए इस नफरत को इतना फैला दिया उसने, इसके लिए सबसे पहले तो उसने बच्चों की स्कूलिंग पे नजर रखी, यूथ अपने अंडर किया, स्कूलिंग कैसे अपने अंडर, बच्चों की स्कूलिंग पे कैसे नजर रखी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कूल में ही डिड नॉट अलाउ आर्यन चिल्ड्रन टू प्ले विद ज्यूस, आर्यन बच्चे ज्यूस बच्चों के साथ बैठ भी नहीं सकते थे। आर्यन चिल्ड्रन सैट ऑन द फर्स्ट बेंचेस, उनको बेंचेस पे बिठाते थे, ज्यूस हैड टू स्टैंड एट द बैक, उनको पीछे खड़े रखते थे। तो ज्यूस टीचर्स वर आल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। अब देखो उसने क्या क्या किया, उसने सबसे पहले बच्चों की स्कूलिंग अपने अंडर की। तो फॉर दिस उसने क्या किया, ही डिड नॉट अलाउ ज्यूस चिल्ड्रन टू प्ले विद आर्यन चिल्ड्रन, ज्यूस को पीछे खड़े रखा स्कूल्स में क्लासेस में, आर्यन चिल्ड्रन सैट ऑन द बेंचेस, ज्यूस टीचर्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, इनको स्कूल से भी निकाल दिया टीचर्स को। एंड स्टीरियोटाइप्स वर मेड अबाउट ज्यूस इन द मैथ्स क्लासेस, तो इनको कल्पाते होते थे ज्यूस को, कैसे टीचर्स ही कल्पाते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स टीचर ने बोल दिया ड्रॉ सिक्स जस्ट लाइक नोज ऑफ ज्यूस, तो इनको इतनी इनकी इंसल्ट की जाती थी इन द क्लासेस। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ स्कूल्स में भी। तो आर्यन बच्चों को बिगनिंग से एक पाठ पढ़ाया, वर्शिप हिटलर एंड हेटर्ड द ज्यूस, इनको सिखाया गया हिटलर की पूजा करो इनसे नफरत करो, वर्शिप हिटलर एंड हेटर्ड द ज्यूस। ये शुरू से माइंड्स ऑफ आर्यन चिल्ड्रन वर इंजेक्टेड विद दिस वर्शिप हिटलर एंड हेटर्ड द ज्यूस, दिमाग में उनके ये बात भर दी गई फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बच्चों के दिमाग में ये बात भर दी कि हिटलर की पूजा करो ज्यूस से नफरत करो। अब हिटलर आर्यन बच्चे जो थे ना, आर्यन बॉयज एंड गर्ल्स में भी उसने डिस्क्रिमिनेट किया, गर्ल्स को वो चाहता था काइंड हार्टेड बनाना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग था कि गर्ल्स हैड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली ओनली, तो वो गर्ल्स को काइंड हार्टेड बनाना चाहता था। तो उसके अकॉर्डिंग था कि गर्ल्स को सिर्फ अपनी फैमिली देखनी है, इनको कोई राइट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। वेयर हैज बॉयज, अगर हम आर्यन बॉयज की बात करें तो हिटलर वॉन्टेड टू मेक दैम आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्ग फिजिकली फिट, ऐसे बच्चे बनाना चाहता था। अब इसके लिए उसने क्या किया, he made boxing compulsory for Aryan children, Jews के लिए नहीं Aryan के लिए boxing compulsory कर दी for Aryan children, ताकि boxing से वो iron hearted बन जाएंगे, strong बन जाएंगे। तो जैसे ये Aryan बच्चे 14 के होते उन्हें physical labor करवाई जाती in the school, तो फिजिकल लेबर से उसको होता था कि ये बच्चे फिजिकली स्ट्रांग होंगे, he wanted to make them physically fit also, तो उनसे फिजिकल लेबर करवाता आर्यन बच्चों से, क्योंकि वो उनको फिजिकली स्ट्रांग भी बनाना चाहता था, आयरन हार्टेड बॉक्सिंग कंपल्सरी की एंड फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए उनसे फिजिकल एक्टिविटीज करवाई, उनसे वहां पे स्कूल में कुछ भी एक्टिविटीज ऐसी करवाई क्योंकि उनसे उनको फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहता था। तो इस वजह से अब जैसे ही वो बच्चे 18 के होते तो उन्हें
आर्मी ज्वाइन कराई जाती, जर्मन की आर्मी। अब जो लोग आर्मी में आते हैं, जो बच्चे आर्मी ज्वाइन करते हैं, आर्यन बच्चे, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, तो अपने आप सोचो वो कैसे होते होंगे। दे वर फॉलोअर ऑफ हिटलर, वो हिटलर के फॉलोअर होते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से एक पाठ पढ़ा था, वर्शिप हिटलर एंड हेटर्ड द ज्यूज। तो जब वो आर्मी इन्होंने ज्वाइन की ना, तो उनको कहीं ना कहीं उनके मनों में ज्यूज के लिए नफरत भरी हुई थी। वो हिटलर के फॉलोअर थे, तो ये थी हिटलर की यूथ। तो इस वजह से उसने आर्मी जो थी वो उसकी भगत थी हिटलर की। हिटलर को मसीहा कहते थे, क्योंकि उसने वो दे वर्शिप हिटलर, क्योंकि वो बिगनिंग से ये बात सीख के आए थे। देयर माइंड्स वर इंजेक्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू वर्शिप हिटलर एंड टू हेट द ज्यूज। ये चीजें तो उनके दिमाग में बचपन से भरी हुई थी, तो इस वजह से हिटलर के ये लोग फॉलोअर्स हो गए। तो इस वजह से उसने यूथ को अपने अंडर किया। अब हिटलर ने कैसे कैसे इन लोगों को नफरत करना सिखाया, कैसे उसने प्रीच की नफरत। सबसे पहले तो उसने आर्यन बच्चों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स दिखाई, कार्टून्स, कैरिकेचर्स बनवाए किसके, ज्यूज के। इन दैट कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स ज्यूज वर शोन ग्रीडी पर्संस, किडनैपर्स, मर्डरर्स, ऐसे वाले उनके करेक्टर्स दिखाए। उनको दिखाया कि किडनैपर्स हैं, मनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर्डर तक कर देते हैं मनी के लिए, ऐसे वाले करेक्टर्स बना दिए उनके। डॉक्यूमेंट्रीज बनाई एंड शोड इट टू आर्यन चिल्ड्रन, आर्यन बच्चों को वो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई। तो अब बच्चे जो थे वो रियलिटी में ज्यूज के साथ बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उनको ये सब चीजें दिखाई गई, उनके दिमाग में भर दी गई। तो हिटलर ने क्या किया, मास किलिंग की ज्यूज की, जिप्सिस की, ब्लैक्स की, इनको गैस चैम्बर भेजा। He sent these people to gas chambers for mass killing. इनकी मास किलिंग की, इनको फोर्स किया लीव नाजी जर्मनी। तो अगर ये लोग नहीं छोड़ते थे जर्मनी, तो दे वर सेंट टू गैस चैम्बर्स, मास किलिंग की। जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट फॉलो किया लेबेंसराम, उसने लैंड जो थी ना अपना एरिया जर्मनी का, वो बढ़ाना चाहता था टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, क्योंकि वो चाहता था कि अगर जर्मनी के लिए पास वास्ट लैंड होगी, तो कहीं ना कहीं आर्यन जो पीपल है ना, इनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। उनके पास अगर वास्ट लैंड होगी, तो वो कहीं ना कहीं बेटर लाइफ जिएंगे। तो इसलिए इसने जर्मनी की टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी की। जब उसने रिकंस्ट्रक्शन की ना जर्मनी की बाद में, तो उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी की, बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ जर्मनी। एरिया बढ़ाना चाहता था, सो दैट आर्यंस कुड लिव इजिली, तो इन अ बेटर वे, आर्यंस का लिविंग स्टैंडर्ड वो हाई करना चाहता था। तो ज्यूज की मास किलिंग की, सेंड देम टू गैस चैम्बर्स फॉर मास किलिंग। अब नाजी जर्मनी में वुमेन की क्या कंडीशन थी, नाजी जर्मनी में हम कहेंगे कि वुमेन की, जो हिटलर ने पहले तो बिगनिंग से ही डिस्क्रिमिनेट किया बिटवीन आर्यन बॉयज एंड गर्ल्स। आर्यन बॉयज को कहा वो स्ट्रॉन्ग हार्टेड, आयरन हार्टेड बनाता था, वेयर एज गर्ल्स को वो काइंड हार्टेड, गर्ल्स को काइंड हार्टेड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली ओनली, ऐसे व्यूज थे गर्ल्स को लेके। अब नाजी जर्मनी में वुमेन वर नॉट अलाउड टू डिमांड फॉर राइट। आपने फ्रांस पढ़ा है, फ्रांस में वुमेन अपने राइट्स को लेके आवाज उठाती थी। फ्रांस में जब मेल को राइट मिले, फीमेल डिमांडेड सेम। फ्रांस में वुमेन ने बहुत से क्लब स्टार्ट किए थे, पॉलिटिकल एसोसिएशंस ज्वाइन की। तो फ्रांस में कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट मूवमेंट भी लॉन्च की वुमेन ने, व्हेयरएज इन नाजी जर्मनी वुमेन वर नॉट अलाउड टू डिमांड फॉर देयर राइट्स। अगर हम फ्रांस की और जर्मनी की वुमेन को कंपेयर करें, तो किसकी लाइफ बेटर है, जर्मनी की वुमेन की लाइफ पुअर है एज कम्पेयर टू द लाइफ ऑफ द फ्रेंच वुमेन। फ्रांस की वुमेन की लाइफ अच्छी थी, वो बिजनेस करती थी, छोटे छोटे बिजनेस चलाती थी, फ्लोरिस्ट वर्क करती थी, तो कहीं ना कहीं जॉब्स करती थी वो, है ना। तो कहीं ना कहीं
फ्रांस की वुमेन की लाइफ जो थी दैट वाज बेटर एज कंपेयर टू द लाइफ ऑफ द वुमेन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की वुमेन की लाइफ अच्छी नहीं थी क्योंकि ना तो वो राइट्स मांग सकती थी और ना ही कोई मूवमेंट लॉन्च कर सकती थी। फेमिनिस्ट मीन्स पीपल हु बिलीव इन द इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो फ्रांस में तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स लॉन्च की बट जर्मनी में ये सब कुछ अलाउड, हिटलर के पीरियड में ये सब कुछ अलाउड नहीं था। वैसे भी जो आर्यन मदर्स थी ना देवर एट इनकी प्रेस्टिजियस पोजिशन थी। आर्यन मदर्स हैड प्रेस्टिजियस पोजिशन इन नाजी जर्मनी। आर्यन मदर्स की पोजिशन अच्छी थी। आर्यन मदर्स जो मदर आर्यन बच्चे को जन्म देती थी तो हिटलर गेव वेरियस फैसिलिटीज टू द आर्यन मदर्स क्योंकि वो तो खुद ही इनका नंबर बढ़ाना चाहता था आर्यन चिल्ड्रन का। तो आर्यन मदर्स को उसने बहुत सी फैसिलिटीज दी। उसने उनको हॉस्पिटल में डिस्काउंट दिए, मार्केट्स में डिस्काउंट दिए, उन्हें बहुत सी फैसिलिटीज दी आर्यन मदर्स को, ठीक है। वेयर एज उन्हें रिवॉर्ड्स भी दिए, आर्यन मदर्स को रिवॉर्ड्स तक मिले। वेयर एज ज्यूस मदर्स जो होती थी ना इनके साथ पुअर ट्रीटमेंट किया। ज्यूस मदर्स वर इंसल्टेड इन नाजी जर्मनी, देयर फेस वर ब्लैकेंड, हेयर्स वर कट। तो ज्यूस मदर्स को उसने बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी। तो इस वजह से उसने मदर्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेट किया। आर्यन मदर्स के साथ उसने अच्छा ट्रीट किया, ज्यूस मदर्स को उसने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी। जो ज्यूस बच्चों को जन्म देती थी उनके फेस ब्लैक किए, बाल काट दिए, इस वजह से उनकी इंसल्ट की जाती थी नाजी जर्मनी। तो हिटलर ने वुमेन की भी, हिटलर के पीरियड में हम कहेंगे कि वुमेन की लाइफ नाजी जर्मनी में अच्छी नहीं थी। अगर वो आर्यन थी तो उनको राइट मांगने का राइट नहीं था। वुमेन वर नॉट अलाउड टू डिमांड फॉर राइट्स, दे हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज एंड ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो राइट्स नहीं मांग सकती थी। फ्रांस में कहीं ना कहीं वुमेन राइट्स के लिए अवेयर थी। तो हिटलर के पीरियड में ज्यूस मदर एंड आर्यन मदर्स दोनों में बहुत उसने डिस्क्रिमिनेशन किया। आर्यन मदर्स को उसने बहुत सारी फैसिलिटीज दी, वेयर एज ज्यूस मदर्स उनको पनिशमेंट्स दी। तो इस वजह से हिटलर ने मदर के साथ भी पुअर ट्रीटमेंट किया। इन नाजी जर्मनी अगर हम कहें तो लाइफ जो थी ना वुमेन की वो अच्छी नहीं थी। अब हिटलर ने ना रेशियल एक्सपर्ट्स रखे हुए थे कि अपॉइंटेड रेशियल एक्सपर्ट्स। अब जब बच्चे का बर्थ होता तो बच्चा रेशियल एक्सपर्ट को दिया जाता, जिस पे भी शक होता कि ये प्योर ब्लडेड नहीं है तो वो बच्चा रेशियल एक्सपर्ट्स को दिया जाता। मीन्स बच्चे को पैदा होते ही रेशियल टेस्ट क्लियर करना होता था कि अपॉइंटेड रेशियल एक्सपर्ट्स। तो अगर बच्चा वो टेस्ट क्लियर करता, मीन्स अगर उसके मदर फादर दोनों ही जर्मनी के होते, प्योर ब्लडेड होते, तो बच्चा मदर को मिलता। अगर उसके मदर फादर में से एक जीव होता, अगर वो प्योर ब्लडेड नहीं होता, तो बच्चा मदर को नहीं देते थे, ऑर्फनेजेस अनाथालय भेजते थे तो उस बच्चे को। तो कहीं ना कहीं हिटलर ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल साइंस, उसने स्कूल्स में एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था रेशियल साइंस। तो कहीं ना कहीं उसने बच्चों के साथ भी ना डिस्क्रिमिनेट ही किया। रेशियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया था उसने बच्चों को स्कूल्स में, एंड रेशियल एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए थे जो कि रेशियल साइंस एक्सपर्ट्स जो थे, रेशियल एक्सपर्ट्स जो थे ना वो बच्चों का टेस्ट लेते थे। आफ्टर बर्थ चाइल्ड हैज हैड टू क्लियर रेशियल टेस्ट। अगर तो वो क्लियर करता देन वो बच्चा मदर के पास जाता, नहीं तो अनाथालय। तो ये सब कुछ आज इतना ही पढ़ते हैं। हिटलर केम टू पावर में आपने अगर इनेबलिंग एक्ट नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। हाउ हिटलर केम टू पावर मीन्स पावर में कैसे आया, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस के थ्रू ही पावर में आएगा ना। अभी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट देखो कौन सी पावर में आती है, तो पॉपुलर तो कहीं है ना, बट पॉपुलर होने से पावर में थोड़ा आ गई। पावर में आने के लिए तो इलेक्शंस होंगे, तो जो जीत जाएगा वही पावर में आएगा ना। सेम एज हियर 1928 के इलेक्शंस हुए तो नाजी पार्टी इतनी पॉपुलर नहीं थी, इसको वोट से नहीं पड़े, 2.6% वोट पड़े बस।
जब 32 के इलेक्शन हुए ना, 37% वोट्स पड़ गए, तो वो सबसे मैक्सिमम थे। तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को बुलाया, चांसलरशिप देना चाहता था, उसे चांसलर बनाना चाहता था, बट हिटलर तो बन गया डिक्टेटर बाय पासिंग विच एक्ट इनेबलिंग एक्ट। तो किसकी डिस्ट्रक्शन हुई जर्मनी में, नाजी जर्मनी में? डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन हुई। अब डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन होने से जर्मनी में क्या आ गई? दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप। जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ गई एंड डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन होगी। पेपर में पूछते होते हैं व्हाट डू नो अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर आपने सारा यही बताना है कि वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई थी, लोगों को राइट्स दिए थे, सिविल लिबर्टीज दी थी, बट लोगों को वाइमर रिपब्लिक पे कोई भरोसा नहीं था, उनको उसमें बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से डिफेक्ट्स दिख रहे थे, हैड नो फेथ इन डेमोक्रेसी, दे वॉन्टेड टू ब्रिंग स्ट्रॉन्ग लीडर और डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो फिर आप बताओ कि हिटलर ने वैसे ही इनेबलिंग एक्ट पास करके वो डिक्टेटर बन गया, उसने लोगों के राइट्स को सस्पेंड किया गिवन बाय वाइमर रिपब्लिक एंड सब कुछ अपने अंडर कर लिया। तो जब मीडिया, इकोनॉमी, जुडिशरी, एक एक चीज, आर्मी हिटलर के अंडर हो गई, तो जर्मनी में लोगों के राइट्स छीन लिए गए, तो जर्मनी में कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप आ गई एंड डेमोक्रेसी की हम कहेंगे कि डिस्ट्रक्शन हो गई। सो इस वजह से आपने इस टॉपिक